श्रीमती इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बड़े पैमाने पर किया गया घोटाला। जी हां, उत्तर प्रदेश में जपुलालगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खजूरी में बने श्रीमती इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय में रमेश कुमार यादव व निरंजन कुमार और अनिल कुमार से जानकारी प्राप्त हुई कि श्रीमती इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज में 2010 से 2015 के बीच बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया, जिसमें कुल 17 निधि के खाते हैं, जैसे कि प्रवेश फॉर्म, विश्वविद्यालय परीक्षा, वाचनालय, क्रीडा पत्रिका, रोवर्स रेंजर, छात्र सहायता पंजीयन, कौशन मनी, छात्र भवन निर्माण, परिचय पत्र, कॉलेज डे, विभागीय परिषद, राष्ट्रीय पर्व, परीक्षण शुल्क, विद्युत शुल्क, पर्यावरण, साइकिल स्टैंड, कुल 17 निधियां हैं, जो कि हर निधि से रुपए निकाला गया है और मौके पर कोई कार्य नहीं किया गया। कुल लगभग 10 लाख का घोटाला किया गया है, जो कि बेसिक शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को इस बात पर निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन आज तक जो सोशल ऑडिट टीम जो रिपोर्ट लगाती है और रिपोर्ट सही लगा कर चली जाती है। आपको बता दें कि इस बात पर किसी ने गौर तक नहीं किया कि इतने रुपए निकाले गए तो कहाँ गए, जहाँ तक यह देखने को मिला कि महाविद्यालय में बाउंड्री तक नहीं बनी है, जो कि उसमें भेड़ बकरी गाय हैं और महाविद्यालय चारा गाह बन चुका है। इस बात को लेकर प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि इस घोटाले की जांच कराई जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए संतोष कुमार की खास रिपोर्ट। रमेश कुमार, क्या समस्या है? समस्या है कि यह श्रीमती इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय में द्वितीय निमित्ता के नाम पर बहुत पैसा निकाला गया है और कुछ भी काम धरातल पर नहीं हुआ है। अच्छा, किस कार्य के लिए पैसा निकाला गया है? एक अब किस कार्य के लिए निकाला गया है, जो कॉलेज की निधियां हैं उस प्रत्येक। अच्छा, कौन कौन सी निधि से है सर? ये निधि है श्रीमान, एक मिनट आप पेपर देख लें, आंधी कार्ड, क्रीडा है जी, पत्रिका है जी, क्रीडा है, पत्रिका है, वाचनालय है, साइकिल स्टैंड है, रोवर्स रेंजर्स है जी, छात्र सहायता आवधिक पंजीयन है जी, कॉलेज डे है जी, पत्रिका है, विभागीय परिषद है, विद्युत है। अच्छा, इतने विभागों से पैसा निकाला गया, तो इसमें जो है कि क्या, जैसे आप बता रहे हैं कि अवैध रूप से पैसे निकाल कर खर्च कर लिए गए, अच्छी बात है, तो ये मतलब एक व्यक्ति विशेष के नाम से निकाला गया है श्रीमान जी। जितना पैसा निकाला गया है क्या उतना काम हुआ है? बिल्कुल काम नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि क्या इन निधियों से किसी व्यक्ति के नाम पर कॉलेज के जो स्टाफ न उनके नाम पर पैसा निकाला जा सकता है? पत्रिका निधि से निकाला गया है जी, लेकिन काफी व्यापक, कम से कम 10 लाख रुपए निकाले गए हैं जिसका कोई हमको ये जो कॉपी प्राप्त हुई जिसके आधार पर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ARTI सामने सूचना लिख रहा, तो हमें राज्य सूचना आयुक्त के ऑफिस से सूचनाएं मिली, न कि यहाँ सूचना अधिकारी ने हमको दिया जी जी। तो इस पर हमारी एक मांग है कि इस पर उच्च स्तरीय जाँच हो और इसमें दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अच्छा, ये एक चैनल के माध्यम से आप किससे मांग करना चाहते हैं कि इसे जाँच हो या जो है कि इसको उचित कार्रवाई की जाए? ये शिक्षा मंत्री से हम करना चाहते हैं, शिक्षा निदेशक से बात करते हैं, उच्च शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा जांच की जाए और एक निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ऑडिट टीम जो आती है वो तो निष्पक्ष रिपोर्ट लगाकर चली जाती है। ऐसे जांच हो कि वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जी जी। अच्छा, जितने पैसे निकाले गए सब अवैध रूप से खर्च कर दिए गए? बिल्कुल निकाले गए हैं, इन निधियों से निकाले, क्योंकि ये निधियाँ कॉलेज की निधियाँ होती हैं और छात्रों की निधियां होती हैं, इसमें किसी व्यक्ति को एक रुपए भी निकाल विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए होता है, बाकी ये विशेष व्यक्तियों के नाम पर चेक काट करके अवैध रूप से बंदर बांट किया गया जी जी ना जी। चलिए देखते हैं आगे। एक तो भाई साहब हैं, शायद इसी स्कूल में पढ़े हैं क्या वो? भाई साहब आप स्कूल में पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बता रहे हैं कि इस स्कूल में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, जो है कि जितना निधियों से पैसे आए हैं कुल अवैध रूप से खर्च कर दिए गए, इस स्कूल में कोई व्यवस्था लागू नहीं की, आप लोगों को कोई व्यवस्था दी नहीं गई, सही बात है क्या? हम लोग कॉलेज आते हैं लेकिन ऐसा खेल के लिए ऐसा कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा व्यवस्था कुछ भी नहीं बनाया, जैसे साइकिल स्टैंड हुआ है और अन्य बताए हैं सर, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं कराया गया है, मतलब एकदम जो है अपने इच्छा से जो लोग आप व्यवस्था कर लेते होता है, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए भैया साहब, वो भी इस स्कूल में पढ़े हैं, आइए जानते हैं इसे। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनिल कुमार।
ये जो बता रहे हैं भैया, इससे आप सहमत हैं? पूरा यहाँ अवैध रूप से पैसे बंदर बांट कर लिए गए, जिन निधियों का इसमें जिक्र हो रहा है उनसे जो पैसा निकला है, धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल ये चारागाह बना हुआ घुमा। अच्छा, आप तो कुछ जानते होंगे, आप यहाँ की लोकल होंगे, तो मतलब किस विषय पर पैसा निकाला गया, किसके लिए आया था, कौन सी निधि से, कुछ मालूम है आपको? वो वकील साहब के पास लिखित में है, जो आरटीआई के माध्यम से सूचना मिली हुई है। जी जी, विशेष जानकारी वकील साहब। चलिए ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर से खास रिपोर्ट।